वाराणसी गंगा स्नान को गए टुडला के 3 युवकों की डूबने से हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम। जनपद फिरोजाबाद से टुडला के वाराणसी गंगा स्नान को गए टुडला के 5 युवक डूब गए हैं। इनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 को गोताखोरों ने बचा लिया। उन्हें वाराणसी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कच्चा टुडला निवासी केशव मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन में पेंट्री कार संचालक है। वे अपने 4 दोस्त कच्चा टुडला निवासी संजय उर्फ चिंगारू निवासी नकला कुम्हर हाना, कच्चा टुडला निवासी पवन इमामुद्दीन के अलावा लाइन पार्क के नगला रामकिशन निवासी अनस के साथ रविवार रात्रि मरुधर एक्सप्रेसवे से वाराणसी गंगा स्नान को गया हुआ था, जहां आज नौकाटन के दौरान उनकी नाव गंगा में डूब गई। इनमें 5 युवक की डूबने से मौत हो गई। इसमें 5 युवक डूब गए, जहां अनस और इमामुद्दीन के शव को बरामद कर लिया गया, जबकि संजय उर्फ चिंगारू का शव अभी तक लापता है। गोताखोरों ने केशव और पवन को बचा लिया। स्वजनों के मुताबिक उन्हें वाराणसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन वाराणसी के लिए रवाना हो गए। बताया जाता है कि सभी वेंडरी करते थे। नगला रामकिशन निवासी अनस 2 भाई 2 बहनों में सबसे बड़ा भाई था। पिता टैक्सी चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता राजेश कुमार शर्मा अभी न्यूज चैनल के लिए। जी, आज यहाँ पे रामकिशन नगले में एक बच्चा जो बता रहे हैं बनारस में डूब गया है, क्या मामला है, पूरी बात बताए। ये जो बच्चा जो है अनस मोहम्मद अनस शनफ नईमुद्दीन, ये नगला रामकिशन में यहीं रहते थे। ये बच्चा अभी पढ़ाई से फारिग हुआ है 2 साल पहले, और अपने दोस्तों के संग बनारस गया था घूमने प्रभु घाट पे। तो वहाँ पे बताते हैं कि नाव में छेद होने के कारण नाव पलट गई, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई, और इसके साथ भी 2 बच्चे और थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। एक बच्चा जो है बच गया, 2 बच्चे बच गए, और नाव वाले की भी मृत्यु हो गई उसमें शायद, ऐसा हमको जानकारी में आया। और इनके परिवार के लोग वहाँ गए हुए हैं बनारस, और अभी तक इतनी जानकारी मिली है। क्या करता था ये बच्चा? ये बच्चा जो है वैसे तो पढ़ के अभी फारिग हुआ, तो ये सुनने में आया कि बैंड्री वगैरह करता था ये शायद गाड़ी में। घर की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, इसके फादर भी टैक्सी चलाने का कार्य करते थे पहले, और अब भी गाड़ी ही चलाते हैं, और काम की तलाश में आए दिन मतलब फॉर्म वगैरह भी भरता रहता था। राजीव अकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, 7th रैंक ऑफ MBA बाय AKTU, एश्योर्ड प्लेसमेंट्स अमंग टॉप नॉच ग्लोबल कंपनीज, रेगुलर वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सेमिनार्स एंड गेस्ट लेक्चर्स, फ्रीक्वेंट इंडस्ट्रियल विजिट्स फॉर प्रैक्टिकल एक्सपोजर, सिस्टमैटिक एंड वेल स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग क्लासेस टू एनहांस कम्युनिकेशन, लाइफ स्किल्स, टेक्निकल एंड एप्टीट्यूड स्किल्स, अ लाइवली कैंपस लाइफ, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स, मल्टीमीडिया क्लासरूम्स एंड स्टेट ऑफ द आर्ट AC infrastructure amidst lush green and sprawling ambience.